वाली कलमुई। अरे माई मिली थी इस सारे बाजार में इज्जत उतारने को। हाँ वैसे ही तूने है ना मुझे कंगाल बनाकर छोड़ दिया। घर में तो बड़ी हिटलर बन के घूमती रहती है। लेकिन मुझे एक बात बता, पहले तेरी जिम्मेदारी इस घर को है या पहले तेरी जिम्मेदारी उस तेरे मरे खसम को है जो कभी मंडप में बैठा ही नहीं। हेलो, देखा उसने तो फोन ही काट दिया। ये तो वो छोरी का फोन है। इसका मतलब छोरी सच बोल रही है। अरे ओए मरियल सुन मेरी बात, देख जो भी होगा उससे ला, मैं अपनी बरसाती देने के लिए तैयार हूँ। मुझे है ना किराएदार चाहिए, जैसा होगा वैसा चलेगा। मुझे बस पैसे चाहिए, वो भी एडवांस में, किराएदार ने एंट्री लेने से पहले, समझा? सर, क्या रहा है सब, आने के बाहर इतनी भीड़ की जमा है? क्या दाम है एक पुलिस अफसर का? इतना पैसा लेगा सुमेर चौधरी एफआईआर दर्ज करने का? ये सब क्या है? आप चौंकिए मत, ये कोई बकवास नहीं है। आपको सबूत चाहिए तो मेरे पास सबूत है, और वैसे भी आपका कानून आपकी पुलिस फोर्स सबूत मांगती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। माता जी मैं कह रहा था बच्चे हैं शैतानी करते हैं, है कि नहीं? मैं कह रहा था इन लोग का ना स्कूल लगवा लो घर में, इसलिए लाया था। माता जी मैं कह रहा था दिन में केवल 2-4 घंटे की बात है। ये मैडम जी हैं, इन्हीं के बच्चे हैं ये। शीशगंज गुरुद्वारे के पास में इनका स्कूल चल रहा था, जगह कम पड़ गई तो राधे के पास आई, वही राधे जगह दिलवा दे, तो मैं उनको यहाँ ले आया। तो अगर आपको ये पसंद आ जाए और इनको आपकी जगह पसंद आ जाए तो है ना एडवांस लेकर के काम शुरू कर देंगे, है कि नहीं? देखो जी ये रहा एडवांस। देखिए मिस इंद्रा शर्मा, इंद्रा शर्मा मैंने आपका केस सुमेर सिंह को कह दिया है, वो प्रायोरिटी बेस पे आपका केस 15 दिन के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्टिंग ऑपरेशन यही खत्म हो जाना चाहिए। नाउ एक्सक्यूज मी। थैंक यू। पंद्रह दिन है आपके पास और मुझे मेरा ऋषि जल्द से जल्द वापस चाहिए। चलिए लग जाइए काम पर। वो ट्रक रेती यही गिरा के गई है, यही खाली की थी। अगर रेत ही है तो बंदे को भी तो ये होना चाहिए, कहाँ है वो? वही तो, सब जगह छान मारा लेकिन बंदा का कुछ पता नहीं। एक काम करते हैं, उधर देखते, आ जा। ए, किसी भी हाल में उस ऋषि के बच्चे को ढूंढना होगा, नहीं तो वो हिटलर दीदी के रिश्तेदार है ना, हमें मार डालेंगे। देखने में बड़े भोले भाले हैं ये लोग लेकिन अंदर से एक नंबर के साथी, समझा? अब ध्यान से देख कहां गया वो ऋषि का बच्चा। चलो उधर। मकान मालकिन जी, आपके इसी रिश्तेदार का चेहरा बेनकाब करने के लिए निकल रहा हूं। आपको और मुझे दूर करने वाले इस रिश्तेदार को जल्द से जल्द आपके सामने ला कर रहूंगा।